उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद मंगलवार को ताबड़तोड़ 3 मौके देखकर दहल गया। मझौला के गोपालपुरा में एक दंपत का शव फंदे पर लटका मिला। ये आत्महत्या है या फिर हत्या, पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। ये सुमित नाम का लड़का जो है, इसके हमारे दौरानी के पास में आया करा था और देवर को मारे करता था और घर से बाहर करे करता था, रोटी खुद खाए करा है, उसे ना खान दिख रहा है देवर को। देवर का मुकेश था और उसका कविता नाम था। कब से संबंध चल रहे थे? ये 2 साल। कुछ बताया आपके देवर ने कभी शिकायत करी आपको? रात करी, हमसे रात ही ये बातें बताई हैं। देखो हम दूर रहते हैं, रात ही ये बातें बताई हैं, थाने भी गए हैं और लेडीज किसी से न बता रहे, गाली देख रहा है। अगर औरतें से कह रही कि देख बरगा तो यहाँ खड़े होकर वो खूब गाली देख रहा है औरतों को। उधर विद्युत उपकेंद्र पर बिजली कर्मचारी फंदे पर लटका मिला। इन दो घटनाओं में 3 मौतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पहले बात करते हैं मझोला में दंपति मौत प्रकरण की। मझोला के गोपालपुर निवासी दंपति मुकेश और कविता के शव उनके घर में बरामद हुए हैं। यहां कविता का शव पंखे के सहारे लटका था, जबकि उनके पति मुकेश की बॉडी चारपाई पर पड़ी थी। दोनों मौतों को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी के प्रेमी ने हत्या को अंजाम दिया है, तो कुछ लोग इसे घरेलू विवाद में आत्महत्या मान रहे हैं। हालांकि पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। मुझे मारा करता था और घर में ना बरंदा कतई भी, पर कल रात भी ना बरंदा तो हमारे चचेर देवर को लाए जगा कर, तो ये दोनों अंदर थे। फिर पुलिस वाले बुलाए, थाने वाले, तो उन्होंने किवाड़ खुलवाया तो घर वाली भी उन पर कुछ अतर पड़ गई। रात भी लेडीज पुलिस आई है और वैसे भी आए है, उन्हें सीमित के भी आन दिए। कितने साल पहले शादी हुई थी? 9 साल हो जाते, 2 महीने हो रहे। 2 साल से ये चक्कर चल रहा। तो उससे पहले कभी देव ने शिकायत नहीं करी थी आप लोगों से? नहीं, हम बहुत डर के हमारे बोली ना करते थे हमसे। ये रात ही बोले हमसे, हम तो पल्ली तरफ रह रहे, हम तो ऐसे ही आ गए, हमारा लड़का है यहाँ पे। तो आज सुबह कैसे पता चला कि आपके देवर के साथ ही है? आज सुबह यही पता चला, उसे जो वो घर पर नहीं था उनका लड़का, और जो वो मालूम करने आई थी कि बताओ कुछ उनसे, क्या हम फैसले दे दो ऐसा वैसे, नहीं हो रही करने आई कि हमारे लड़का को ऐसा कर दो, बाकस दो नो कर दो, समझाने आई होंगी ना, डरा धमकाने आई होंगी। उसकी मम्मी आई सुमित की तब। अच्छा। हाँ, तो हमारे लड़के ने किवाड़ा खोली थी। कब आई सुमित की मम्मी? कोई 9 बजे के करीब थी। अच्छा, सुमित रात से थाने में बंद है? ना, रात से नहीं था, मारपीट करी उसके साथ में, हमारे देवर के साथ में सुमित ने। हाँ, कब मारपीट की थी? कोई 8:30 बजे के करीब मारपीट करी थी। सुमित जो पुलिस आई थी, आपका कहना ये कि वो सुमित चला गया था उसके बाद? ना ना ना, जब नहीं आया था, जब तो हाँ कई दुबक गया जाता। तो सुमित कब गया यहाँ से? सुमित तो उसमें बाद में ले गए, जब इन्होंने हम और शिकायत करी, कई बार गए थाने, जब जाकर उसे लेके गए। दूसरी घटना शहर की है। स्टेशन रोड स्थित विद्युत उपकेंद्र में तैनात वरिष्ठ लिपिक धनपाल यादव का शव कार्यालय में पंखे से लटका मिला। ऑफिस में उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में इसे आत्महत्या का केस माना जा रहा है। सूचना पर धनपाल यादव के परिवार वाले भी मुरादाबाद पहुंच गए। बताते हैं कि पिछले 3 दिन अवकाश होने के बावजूद भी वरिष्ठ लिपिक धनपाल यादव ऑफिस में ही कार्यरत रहे, वह घर नहीं गए थे। मंगलवार को सुबह ऑफिस में उनका शव पंखे से लटका मिला। वो जल्दी आती है, वो 9:30 की बात है, झाड़ू वाड़ू लगाने वाला आता है उस टाइम पे आती है। कब से रहे थे ड्यूटी पे? मुझे तो 2-3 महीने हुए थे, तो काफी टाइम से काम ड्यूटी पे है। कल जैसा आपका था तो ये? हाँ, कल नहीं आए थे, कल दिन में तो मैं यहाँ पे जाऊँ, दिन में मेरे टाइम पे नहीं आए थे कोई भी। चाबी किसके पास रहती है? चाबी बाबू जी पे रहती है, मैडम पे रहती है। क्या इसको सीमा बॉडी करी सर? पुलिस जांच करती है। सर कुछ सुसाइड नोट पर आपको आए? अभी नहीं मालूम सर, पुलिस जांच कर रही है, कपड़ों में देखा जाएगा। तो सर जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं छुट्टियों के बावजूद, कोई ऐसा दबाव था? ना ना ना, ऑफिसली दबाव कोई नहीं था, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, बाबू जी खाना नहीं था। परिवार आप यहीं एस डी ऑफिस में नौकरी करती हो? कल आप आई थी? कल ही आई थी। परसों आई थी? परसों आई थी। अच्छा, जल्दी चली गई। आज सुबह आप आई? हाँ सुबह में। किस समय आई आप? मैं आई 9 बजे, 9:05 थी या 10 बजे। फिर क्या हुआ? मैंने यहाँ से चाबी उठाई, यहाँ पे चाबी थी, चाबी उठा के गेट का ताला नहीं था, गेट घिरा हुआ था ऐसे। अच्छा। जैसे मैंने खोला और मैं अपना स्टॉल टांगने उधर वाले कमरे में गई, जो मैंने देखा तो मुझे भैया मुझे डर लगा, फिर मैं भाग के इधर को आ गई, इधर को आन के मैंने सब लोगों से कह दिया, बस इतना देखा, फिर नहीं गई मैं उधर। इनका नाम क्या बाबूजी का? इनका धनपाल बाबू। अच्छा अच्छा, ये आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम धर्मेश यादव, मेरे बहनोई थे ये आपके बहनोई थे?
जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम धन्यपाल। कहाँ रहते हैं? ये संस्कार वैली नियर बाई आवास है। अच्छा, तो यहाँ कब से तैनात थे? ख्याल हुआ ढाई साल हो। ढाई साल से यहाँ तैनात थे। अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे यहाँ तो ऑफिस से फोन किया था। अच्छा। बाकी जब फोन किया था तब हम तुरंत यहाँ पर आए। अच्छा, तो क्या निकला जब आप आए तो क्या स्थिति थी इनकी? स्थिति निकले अपने ऑफिस को फांसी लगाई। फांसी लगाई जी। कोई सुसाइड नोट मिला है? कोई जानकारी? कोई सुसाइड नोट नहीं है। कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है आपको किसी काम के दबाव में थे? क्या था ये पता नहीं, समझ में नहीं आ पा रहा।